कहा जा रही हो अनारकली? हमने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है। शहजादे, कनीज ऐसी गुस्ताखी अपने ख्वाब में भी नहीं कर सकती, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है, हमें जाने दीजिए। हम आपको नहीं जाने देंगे अनारकली, चलिए हमारे साथ, आपकी जगह महल के अंदर है। सीरियल दास्तानी मोहब्बत में आज चल रहा है इमोशनल ड्रामा, जहां दो प्यार करने वाले बिछड़ने वाले थे, क्योंकि अनारकली ने कर लिया था फैसला महल छोड़कर जाने का, लेकिन सलीम भला ऐसे कैसे होने देते। जरा देखिए कैसे हाथ पकड़कर ले गए अपनी अनारकली को वापस महल में। जानते नहीं है सलीम कि क्या हुआ है, लेकिन इतना पता चला है कि अनारकली महल छोड़ के जा रही है, इसीलिए उसे रोकने पहुंचे। अपने प्यार का हवाला देकर शहजादे सलीम ने अनारकली को रोक तो लिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके ऊपर कितने सितम ढाए गए हैं। वो खुद तो महल से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया महल छोड़कर जाने के लिए। अनारकली को हमीदा बेगम, जो सलीम की दादी है, उन्होंने उनको ऐसा लगता है कि सलीम और अनारकली की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो वो चाहती हैं कि अनारकली आगरा छोड़कर चली जाए। तो बस अनारकली आगरा छोड़कर जाती है और सलीम को रोक लेते हैं आकर। सलीम की दादी हमीदा की खरी खोटी सुनकर अनारकली ने तो महल छोड़कर जाने का फैसला कर ही लिया था, वो तो सही समय पर शहजादे सलीम वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अनारकली को रोक लिया, क्योंकि सलीम के लिए तो उनकी अनारकली से बढ़कर कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा है उसे कि घर के महल के लोग ज्यादा इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसको रोकना चाहते हैं इसी वक्त, और सलीम ऐसा नहीं होने देगा, चाहे वो फिर कोई भी हो, दादी हो या अब्बा हो या कोई भी हो। आज ये तो बस शुरुआत है शहजादे सलीम, जैसे जैसे आपका और अनारकली का प्यार परवान चढ़ेगा, आपकी दास्तान मोहब्बत के दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे, जिनका सामना आप दोनों को मिलकर करना होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।